आदरणीय अर्जुन सिंह जी, माननीय राजमाता जी, मुख्यमंत्री जी, सौभाग्यवती अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान और आप भाई बहनों, जब से मैं आया हूँ गाने से ज़्यादा बोलना ही हो रहा है। इतनी बोलने की आदत नहीं है, बस पुराने लोगों में हमारे में इतना ही फर्क है, वो लोग गाते बजाते थे और हम लोग बोलते हैं। उस्ताद हफीज अली खान साहब का थोड़ा समय उनके सहवास में मैं रहा, कुछ सीखा और वो क्या बोलते हैं, अच्छा जरा तानपुरा चढ़ाना होगा, कोई बात नहीं। तो उस समय वो जो सिखाते थे वो अभी भी याद है। पहले वो जमाने में जो उस्ताद लोग थे उनका कहना यही था, एक जीत जाओ तो सब जीत जाओगे। आजकल उल्टा है, एक दिन में 10 राग सिखाते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता। वो एक ही सिखाते थे, जिंदगी भर उसका असर होता है, अभी भी चल रहा है। कुछ कुछ घराने ऐसे हैं गाने में, राग का नाम लिया तो बस वो घराने का नाम आ जाता है। अभी इतना गाने में, गायकी में, बजाने में सुधार हुआ है, लेकिन पुराने लोगों का एक तरीका था। अभी भी देखिए आप, अब्दुल करीम खान साहब के कोई भी रिकॉर्ड लगाइए, बच्चा बच्चा सुनता है उसको, शास्त्र नहीं समझता है। ये क्यों? ये हाँ जी, अब मुझको गाने का शौक ही उनका पहला रिकॉर्ड सुन के, पिया बिन नाइया वचैन बसंत की भगवा ब्रिज देखन को, ये सुनते सुनते ही उस वक्त से मेरे दिल में था कि गाना ऐसा आना चाहिए। और भगवान के कृपा से, गुरु की कृपा से, बस वही घराने का मैं शागिर्द हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि मन में अगर निश्चय पक्का हो तो कुछ भी हो सकता है। ये अवार्ड फंक्शन में उस्ताद हफीज अली का बोलने का जो समय मुझको दिया गया, इसलिए आपका और ये उस्ताद हफीज अली का ट्रस्ट के जितने भी संबंधित हैं उनका मैं आभारी हूँ।